तो नहीं है। तो रक्षाबंधन आया है और मेरा भाई जो है वो आ गया, तो मैंने जो है ना मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो मैंने कहा फिर से आओ और वीडियो शूट करते हैं। तो हंस रहा था, कह रहा था रहने दो, अब नहीं की हो तो मत करो। कहेंगे ना चॉकलेट आपके लिए लाए हैं। अरे बाप रे, सो के उठे हो तो खोए खोए से हो। हाँ लाओ दो वो पानी मीठा पिलाओ। ये सब मेरा जो है तीज आया हुआ है, लाओ इसको जल्दी। तो भाई जो है मेरा आ गया लड्डू। अरे बाप रे, खिड़की से देखा था कहाँ जाता है, कौन है बेटू, कहाँ चल रही इधर। मेरा जो है ना तीज आया हुआ है, वही तो। ये तो बाबू मेरा 5-6 साल का भी हो जाएगा तो नहीं होगा, पैंट में ही डूब जा रहा है। तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी और तुम्हारी बुआ भिजवाई है। ये तो अच्छा, ये आजकल बच्चे खूब पहन रहे हैं बोल बम वाला। तो इसको यहीं छोड़ के जाना, कहाँ के इधर छोड़ के मल्टी चूड़ी चूड़ी है मल्टी कलर। तो मेरे ससुराल से आ गया है ये सारा सामान हम दोनों माँ बेटों का, और ये मेरी साड़ी आई है। बाबू का, बाबू के दो कपड़े आए हैं, दोनों इतने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, मतलब दोनों की लंबाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। किसी तरह से ये नहीं, एक होता है कि चलो बड़ा है तो मतलब मोड़ मार के पहना देते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा है कि फ्रॉक जैसा हो जाएगा, तो नीचे से तो नहीं मोड़ सकते हैं ना। बहुत बड़ा बड़ा ले ली है मम्मी, ये सब रखा ही रहेगा अभी तो। देखो कितना बड़ा है, पीछे से ही साइज देख लो, वो डूब जाएगा तो पहन ही नहीं पाएगा। तुम्हारी दादी तो ऐसा कपड़ा दे दी है कि तुम पहनते ही रह जाओगे 4 साल बाद पहनना। तो राहुल भाई जो है राखी बनवाने आ रहे थे, तो मेरी माता श्री को पता चला, क्योंकि मैंने जो है अचार और सत्तू मंगवाया हुआ था मम्मी से, तो उन्होंने फिर सोचा होगा कि चलो तीज भी भेज देते हैं। और ये वाला जो कपड़ा है ना, ये दादी हमको लगता है ले आई होंगी, क्योंकि वो गई हुई थी वहाँ बोलबम, तो वहाँ से लेकर आई होंगी। और ये चूड़ी है थोड़ी सी, ठीक है हो जाएगी, थोड़ा सा ऑयल लगा के तो लगाना होगा। मल्टी कलर में चूड़ी है, बाकी सब ये सब है। ये हम लोगों के यहाँ ना जो व्हाइट वाला कंगन है, ये हम लोग के यहाँ शंखा पोला बोलते हैं, पश्चिम बंगाल और हम लोगों के साइड में चलता है, पश्चिम बंगाल बिहार उड़ीसा ये सब झारखंड वगैरह में। तो ये में मतलब साइज छोटा है इसका, 2-4 लग रहा है, ये 2-6 भी नहीं है, 2-4 है। 2-6 होता तो मुझे आ जाता, 2-4 नहीं आएगा। और ये मिठाई जो है भाई लेकर आए हैं न्यूयॉर्क से, ये उनके गांव की ना बहुत फेमस मिठाई, बहुत अच्छी भी लगती है। तो सबसे पहले हमने मम्मी की मिठाई से और भाई की मिठाई से दोनों से निकाल कर और लड्डू गोपाल को जो है भोग लगाया, और उसके बाद जो है अब करेंगे पेट पूजा, करें पूजा। और ये है सत्तू अचार। तो यही सारा सामान था, मिठाई और सब मेकअप का सामान, मेरी एक साड़ी, बाबू के दो कपड़े। मामा को खाने दो, पैर क्यों लगा रहे हो? बाबू के साथ, अरे बाबू जो है मामा के साथ अपने खाना खाने बैठे हुए हैं। ये इसी तरह खाते हैं, सबके साथ बैठ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, अगर स्पेशली इनको खिलाओ तो नहीं खाते। जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए जो है आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, और जो लोग नए होंगे वो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाइयों की कलाई आज खाली नहीं रहनी चाहिए। बहनें जो है राखी बांध बांध के अपने बदले में भाई से अपनी रक्षा मांगेंगे। वैसे भी भाई तो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो मेरे भी भाई साहब आए हुए हैं, आप लोग वीडियो में जो है देखे ही। और बस ऐसे ही जो है बने रहिए। हम लोग नहा धोकर एकदम तैयार हैं। आज हम लोगों के यहाँ जो है सब पकवान वगैरह बनाया जाता है, तो बनेगा। तो आज मैं ये वाला सूट पहन रखी हूँ और यही इसी सूट पर जो है रक्षाबंधन मनाएंगे। ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा आपको बाद में दिखाएंगे। और इधर बन रहे हैं छोले। और इसके बाद जो है अभी बहुत कुछ बनाना है। तो ये ना खुद से खाना जो है बनाना पसंद करती है। अगर मैं बनाती हूँ ना तो बोलती तुम लहसुन प्याज वगैरह डाल दोगी। फिलहाल छोले में तो इसने भी लहसुन प्याज डाला हुआ है। एक सब्जी जो है बिना प्याज के बनाई है ताकि कान्हा को भूख लग जाएगा, और इसमें जो है प्याज डाली हुई है। वैसे ऐसा नहीं है, मैं अगर कान्हा को भूख लगाना रहता है तो मैं भी बिना प्याज के ही बनाती हूँ। मैं तो खुद अपने यहाँ बिना प्याज का ही कोशिश करती हूँ बनाने का। आप ही गर्मी है देखो तनिक पसीना। और अब इधर जो है बना रही है माल करने जा रही है। दो जल्दी छोड़ो, ये है इसका घोल बैटर मालपुआ है। इसमें बहुत सारी वैरायटी। अच्छा क्या क्या है वैसे बताना। इधर देखो। हाँ अरे ऊपर नहीं देखोगे क्यों, जरा इधर देखना सनम, देख लो एक बार तो, देख लो देख लो। अरे मेरी छोटी मेरी खोटी मेरी छोटी मेरी खोटी मेरी। ना एक सब्सक्राइबर जो हमेशा हमसे बोलती रहती थी कि दीदी मतलब आपको बाबू हो गया कैसे हुआ, आज उनको बेबी, मतलब आज मैंने उनका देखा, डाली हुई हैं वो इंस्टाग्राम पे रील्स, बेबी हुआ है, वेलकम बेबी का वीडियो मैंने देखा, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। और इसी तरह कान्हा जी जो है सबकी इच्छा की पूर्ति करते रहे, और कोई भी माँ बाप जो है खाली ना रहे माता पिता बनने से। मीन्स कोई भी कपल जो है जोड़ी जो है वो माता पिता बनने से खाली ना रहे। हाँ अजो अजो अजो। तो इधर मौसी जो है प्रेस कर रही है, इधर मेरा बच्चा जो है एकदम इनको फुल परेशान करने में लगा हुआ है। हाँ जब वही भाई रोज होता ना, कैसे पहले ना ये भाई हमारे यहाँ ही रहता था तो ये लोग खूब लड़ती थी कपड़ा प्रेस करने के लिए। ये बोलती थी उसको पूनम को कि ये कर देंगी, पूनम इनको बोलती थी कि ये कर देंगी, दोनों लोग लड़ती थी। फिर वो कभी कभी बोलता था ऐसा है कि रहने दो हम खुद से कर लेंगे, दोनों लोग लड़ लो। कभी कभी उससे भी लड़ लेती थी। ज्यादा होती थी। हाँ ज्यादा पूनम से। इससे साबित होता है कि यू आर लड़ाकी। ऐसा तुम होती रहती है ये।
हम शकुनी नहीं, हम इन लोगों से पहले बहुत लड़ाए हैं। तो कह रहे हैं कुछ धुंधला धुंधला जैसे शकुनी बोलता था एक को बोल देते थे कि दूध पीती हुई इतना तुम्हारे अंदर ताकत है, दूसरे को तो तुम खाना इतने तक खाती तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। हाँ तब तुम खाती थी बच्चा भूल गई, हम वही चीज कह के तो लड़ाते थे दोनों लोगों को। ये वो तुमसे बड़ी और तुम दूध नहीं, हम बड़ी 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 कहाँ, एक साल की बड़ाई छोटाई बड़ी नहीं, हम दूध और खाना वाला मैटर करते थे ना। छू रहा है अच्छा जय, एक जय जय पूजा का जय जय और एक स्ट्रॉन्ग बॉय है मेरा। हनु कल है दो रोटी ले, भूख लागल बा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब एकदम स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके तो जय हिंद जय भारत।